अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने लगाया पूर्व मंत्री पर आरोप, पूर्व मंत्री के दबाव में हो रही है अजय सिंह पर कार्यवाही, अजय सिंह का पूर्व मंत्री से है राजनीतिक दुश्मन। सोशल मीडिया में 21/5/2020 को खबर चल रही थी कि मेरा और मेरे पत्नी से विवाद हुआ है। उक्त के संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ, न तो मेरी पत्नी से कोई विवाद हुआ और न ही मेरी पत्नी ने विवाद के संबंध में कोई सूचना दी। पूरा जनपद जानता है कि मेरा एक राजनीतिक परिवार है, मेरी राजनीतिक प्रतिद्वंदता एक पूर्व मंत्री से है, जो जब जब सत्ता में आता है तब मेरे और मेरे परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाना, प्रधानी की जांच करवाना, कॉलेज की जांच करवाना, ये सब उनका कारनामा है। जब ये बसपा में मंत्री थे तब भी मेरे और मेरे परिवार के ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमा दर्ज करवाए थे, जो जांच के समय सब खत्म हो गए। जब से भाजपा ज्वाइन किए हैं, पुनः पत्र लिखकर मेरे ग्राम पंचायत की जांच, मेरे कॉलेज की जांच और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने की साजिश किसी और की नहीं बल्कि पूर्व मंत्री की है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पति पत्नी में विवाद हुआ और दूसरी तरफ मेरी गिरफ्तारी MGS चौराहे से की जा रही है। जब रात में पुलिस लगभग 3 बजे मेरे घर पहुंचकर यह कह रही है कि आप लोगों में कोई विवाद हुआ है, तो मेरी पत्नी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो सो रहे थे। तो पुलिस वालों ने कहा सूचना मिली है कि आप दोनों में विवाद हुआ है और आप थाने चलिए। जब हमको थाने पे ले गए और मेरा चालान करने लगे तो मेरे हाथ में पिस्टल देकर फोटो खिंचवाया गया, तब मुझे पता चला कि फिर मैं साजिश का शिकार हो गया। साजिश करता कोई और नहीं बल्कि वही पूर्व मंत्री जी हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जितना चाहे मुझे परेशान कर लें, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है।